आपका एक भक्त आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, चलते हैं। कोई सुन रहा है? सातवीं माँ तो सच में नहीं, तुम्हें तो लेके गई उन्हें। काका हमारे साथ कहीं नहीं गई है सातवीं माँ, हम इसके पीछे जाना चाहिए। आप ठीक तो हैं? नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। हमें आपके साथ एक आवश्यक विषय पर मंत्रणा करनी है। मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। गलती तो हर इंसान से होती है, यदि उसका एहसास सही समय पर हो जाए तो गलती सीख बन जाती है। देवी, आप सभी का धन्यवाद कि आपको हमारे महल में आनंद प्राप्त हो रहा है। किंतु ब्रह्मदेव, आप किस विषय पर मंत्रणा करना चाहते हैं? देवी पौलवी, मंत्रणा होगी, अवश्य होगी। क्यों पितामह? अवश्य देव ऋषि नारद। किंतु देवी पौलवी, स्वयं सृष्टि के रचयिता परम पूज्य पिताश्री प्रथम बार आपकी महल में पधारे हैं, तो क्या आप उनका आदर सत्कार नहीं करेंगी? और तो और देवी पौलवी, हमने तो ये भी सुना है कि आपकी सेविका अत्यंत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। भोजन का समय भी हो गया है देवी पौलवी, क्या आप हम सभी को भोजन नहीं कराएंगी? ये स्पष्ट है कि ये हमारा समय नष्ट करने के लिए ही आए हैं, पर हमें धीरज से इसका विकल्प ढूंढना होगा। देवी, सभी सेविका हमारे देखरेख में ही कार्य करती, आप कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, हम अभी आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। देवऋषि, आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र है। धन्यवाद माता लक्ष्मी। ये यहां बैठे, तब तक हम अपना कार्य कर लेते हैं। देवी पौलवी, आपकी रसोई तो उस दिशा में है, तो आप यहां क्या कर रही हैं? वैसे हम भी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, इसीलिए आ गए। आप हमें तरह तरह के व्यंजन बनाना सिखाएंगी ना? नए नए व्यंजन सीखने में तो हमें भी बहुत रुचि है, आप हमें सिखाएंगी ना? अवश्य, चलिए। वाह देवी, आपकी रसोई से तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। यहाँ तो व्यंजन सीखने का बहुत आनंद आएगा। देवी, इसमें आप क्या क्या मिश्रित करती हैं? हमारे पास बहुत कम समय शेष है, बताइए ना देवी, इसमें आपने क्या क्या मिश्रित किया है? इसमें हमने शहद के साथ साथ मिश्री भी डाली है। यदि महादेव चाहेंगे तो हम पुनः मिलेंगे। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम, अद्भुत। देवियों, इन समस्त व्यंजनों के सुगंध से हमारी सुधा तो और भी बढ़ गई है। देवी पौलवी, आपके इस अद्भुत व्यंजन कला के विषय में तो हमें कुछ ज्ञात ही नहीं था, स्वादिष्ट भोजन है। देवर्षि, देवी पौलवी ने समस्त सामग्री स्वयं अपने हाथों से बनाई है, तो सुगंध तो अच्छी आनी ही थी।
पितामह, हमारा आपसे एक अनुरोध है, कृपा करके आप हमारी कुटिया में भी पधारिए। हम स्वयं अपने हाथों से आपके लिए भोजन परोसेंगे। जो सौभाग्य आज देवी पौलमी को प्राप्त हुआ है, यदि वो हमें प्राप्त हो तो हम धन्य हो जाएंगे पितामह, धन्य हो जाएंगे हम। क्यों देवी पौलमी, उचित कहा ना हमने? देवी पौलमी, आपके हाथों के बने इस व्यंजन खाकर हमारी आत्मा तृप्त हो गई है। आपका अति अति धन्यवाद देवी पौलमी। बहुत समय पश्चात हमने इतना स्वादिष्ट भोजन किया। आप पाक कला में अत्यधिक निपुण हैं। सत्य कह रही है देवी लक्ष्मी। प्रतीत होता है माता का आगमन हो गया है। हाँ, देवी संतोषी अपनी समस्त शक्तियों के साथ पधारी होंगी। चलिए हम सब उनका स्वागत करने के लिए चलते हैं। देवी पौलमी, देवी संतोषी स्वर्गलोक पधार रही है। उनके स्वागत हेतु देवलोक में जो उत्सव मनाया जा रहा है उसमें आप अवश्य आइए। अवश्य ब्रह्मदेव, अवश्य। पुत्री का इतना अपमान, वो भी धरती लोक की साधारण महिला संतोषी के कारण। अब उस संतोषी को नष्ट करने का उत्तरदायित्व हम लेते हैं। मैं स्वयं उसकी मृत्यु का मार्ग बनाऊंगा। ये वचन है मेरा स्वयं से कि मुझे कोई देव रोक नहीं पाएगा। संतोषी, अरे कहां चली गई ये संतोषी? अरे संतोषी, तुम यहां साध्वी मां के कमरे में क्या कर रही हो? पता नहीं काका, कल रात यहीं कैसे आग लग गई। पर सच कहे काका, जीवन में हमें इतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई। चलो अच्छा है, घर की चिंताओं से कुछ देर के लिए तुम्हें छुटकारा तो मिला। अच्छा बेटे, एक काम कर दो। हाँ काका। मान ली, गरम गरम चाय बना दो बेटा, वरना हमारे सर में दर्द हो जाएगा। अभी बना है। तुम लोग भी उठ जाओ। ये कैसा कागज है? परेशान क्यों हो रही हो बेटे? इसकी चिट्ठी है ये? क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ संतोषी, तुम रो क्यों रही हो? पुत्री संतोषी, जितने दिन मैं
अरे बेटे क्या लिखा है उसमें? वापस में लिखा है कि साध्वी माँ हमें छोड़ के दूर चली गई है। माँ हमसे बिना मिले चली गई, हमसे बिना मिले कैसे चली गई? तभी वो कल ऐसी ऐसी बातें कर रही थी हमसे। हमें बताया भी नहीं कि वो जाने वाली है। प्यार इतने दिन बाद मिला था, कौन देगा हमें वो प्यार? परेशानियों से कौन निकालेगा हमें? बेटी शांत हो जाओ, अब हम सब तो है ना। संतोषी संभालो। आंटी आप रोइए मत। देखो संतोषी मैं जानता हूँ कि साध्वी माँ के जाने के बाद तुम्हें उनकी याद आ रही है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जब तक साध्वी माँ हमारे साथ थी उन्होंने हमें कितना कुछ सिखाया, तो क्यों ना हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले और उनके साथ जो भी वक्त बिताया उसे याद करके खुशी खुशी रहे। एक बार तो जा सकती थी। मामा आप रो मत प्लीज। देवी संतोषी की जय। 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 माता संतोषी की जय हो। माता संतोषी की जय हो। देवी संतोषी की जय। 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 केवल ब्रह्मदेव के कारण आज हमें अपनी ही प्रतिद्वंदी का स्वागत करना पड़ रहा है, जिसे हम शक्तिहीन होने के पश्चात भी पराजित नहीं कर पाए। माता संतोषी की जय हो। नारायण नारायण। क्या हुआ देवी पौलमी? कदाचित आपका ध्यान कहीं और है। समस्त देवगण माता पर पुष्प अर्पण कर रहे हैं, आप भी शुभ कार्य में मंगल कार्य में अपना सहयोग दें। क्या हुआ देवी पौलमी, किस विचार में मग्न हो गई आप? माता पर पुष्प अर्पित कीजिए।
अब आपकी दैव्य स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। देवलोक में उपस्थित समस्त आदरणीय देवगणों, आज माता संतोषी पुण्य अपना दैवीय रूप धारण करने जा रही हैं। तीनों देवियों ने ये शुभ कार्य आरंभ कर दिया है और अब परम पूज्य पिताश्री ब्रह्मदेव माता संतोषी को पुण्य अपने समस्त दैविक शक्तियां प्रदान करेंगे। देवी संतोषी, आपको पुनः आपकी समस्त शक्तियां प्रदान की जाती है। माता संतोषी की जय हो। देवी संतोषी की जय। देवी संतोषी की जय। माता संतोषी की जय हो। नारायण नारायण। आह उत्तम, अति उत्तम। देवी पौलम, कितना मनमोहक अलौकिक दृश्य है ना ये। इस दृश्य को देखकर आपको अति आनंद प्राप्त हो रहा होगा। उचित कहा ना हमने देवी पौलम। माता संतोषी की जय हो। माता संतोषी की जय हो। माँ, साधवी माँ को देखकर लगता था जैसे हमें हमारी माँ मिल गई हो, पर सोचा नहीं था वो हमें ऐसे अचानक छोड़कर चले जाएंगे। उनकी बहुत याद आ रही है। आंटी। पौलमिका, कितने अलग से लग रहे हो आप। बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ पौलमिका, तुम तो सच्ची में बहुत अच्छी लग रही हो। आंटी, आप उदास क्यों हो? साध्वी माँ चली गई है ना, उनकी याद आ रही। मिस तो मैं भी उन्हें बहुत कर रही हूँ। आंटी, शुरू शुरू में तो मुझे उनसे बहुत डर लगता था, पर जाते जाते वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा कर गई है जो मैं हमेशा याद रखूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन आंटी, हम संतोषी माँ से प्रार्थना करके उनको वापस भी तो बुला सकते हैं। पता नहीं वो वापस आएंगे या नहीं, पर प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। संतोषी की नजरों में अच्छा बनना ठीक है, लेकिन ये संतोषी माता की पूजा करने की क्या जरूरत है तुमको? तुम कोई नई चाल चलने वाली हो क्या? संतोषी माँ की पूजा मैं अपने मन से कर रही हूँ।
कोई चाल के कारण नहीं। और हाँ, अब आप भी सुधर जाइए, और वैसे भी मैं आपको कुछ करने नहीं दूंगी। छोड़िए मेरा हाथ, अब मुझे पूजा के लिए जाने दीजिए। क्या देवी पौलोमी को पता है पौलोमिका का ये बदला रंग? मुझे तत्काल उन्हें सूचना देनी होगी। ध्वनि का आना अर्थात मंगला संकट में है।